सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव परिजनों तक पहुंचाने में लगा किराया। भीलवाड़ा जिला प्रशासन पर भारी पड़ रहा है मामला। करगिल लेह में 2 महीने पहले हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए 9 लोगों के शवों को भीलवाड़ा लाने का है। भीलवाड़ा जिला प्रशासन सरकार से शवों को लाने पर खर्च हुए 2,81,395 रुपये मांग रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन का प्रस्ताव गृह विभाग में विचाराधीन है। सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव परिजनों तक पहुंचाने में लगा किराया। भीलवाड़ा जिला प्रशासन पर भारी पड़ रहा है मामला। कारगिल लेह में 2 महीने पहले हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए 9 लोगों के शवों को भीलवाड़ा लाने का है। भीलवाड़ा जिला प्रशासन सरकार से शवों को लाने पर खर्च हुए 2,81,395 रुपये की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में कारगिल लेह रोड पर 8 जून 2019 को सड़क दुर्घटना में राजस्थान के 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक घायल हो गया था। सभी मृतक भीलवाड़ा जिले के पालड़ी गांव के रहने वाले थे। राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को शवों और घायलों को उनके घर पहुंचाने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद शवों को उनके पैतृक गाँव पहुँचा दिए गए, लेकिन किराए पर बात अटक गई। हादसे में मृतक के शवों को लेह से दिल्ली तक फ्लाइट से लाया गया। इसके बाद दिल्ली से भीलवाड़ा तक वाहनों से लाए गए। अब भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शवों को लाने में खर्च के लिए बजट आवंटित करवाने की मांग कर दी। जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि 3 कार और 3 ट्रकों में शवों को दिल्ली से भीलवाड़ा लाया गया। वाहनों के किराए और ईंधन की खर्च की जानकारी सरकार को भेजी गई है। सोची इस मामले में जिला प्रशासन ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर। सरकारी लाल फीताशाही में मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ जाती है। तभी तो भीलवाड़ा जिला प्रशासन लेह कारगिल से शवों को लाने के लिए खर्च हुए 1,34,000 रुपये सरकार से मांग रहा है। अब देखना यह है सरकार भीलवाड़ा जिला प्रशासन को राशि का भुगतान कब तक करती है। कैमरामैन रवि के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।